नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल राजनीतिक विरासत बचाने को बेचैन। समाजवादी पार्टी संकट के बीच साइकिल पर, निर्वाचन आयोग का फैसला आज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा। जेटली ने कहा कि पारंपरिक व भुगतान बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। सीबीआई का ओडिशा के सांसद विधायक के घरों पर छापा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित है और अपनी राजनीतिक विरासत बचाने को बेचैन है। उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के भीतर मची अंदरूनी कलह के बीच शुक्रवार का दिन पार्टी के लिए काफी अहम है। सुलह की कोशिशों के बीच चुनाव चिन्ह साइकिल किसकी होगी, इसका फैसला शुक्रवार को चुनाव आयोग करेगा। उत्तर प्रदेश के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक संतोष पांडे के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। लंबुआ पुलिस ने यह मुकदमा उनके मोबाइल नंबर से चुनाव प्रचार का वीडियो वायरल होने पर की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने के मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि हमें केवल दूरसंचार कंपनियों के बीच ही नहीं बल्कि पारंपरिक व भुगतान बैंकों के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को सीशोर ग्रुप चिटफंड घोटाले के सिलसिले में 25 जगहों पर छापे मारे। इनमें ओडिशा के एक सांसद और एक विधायक के घर व दफ्तर भी शामिल है।